संदेश झिंगन बनेंगे ऐसे पहले खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी जो साइन करेंगे क्रोएशियन टॉप डिवीज़न के किसी क्लब के लिए, और साथ में ही ऐसे छठे भारतीय खिलाड़ी जो कि साइन करेंगे किसी यूरोपियन टॉप डिवीज़न क्लब के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और हमारे जो डिफेंडर हैं, स्टार डिफेंडर एटीके मोहन बगान के स्टार डिफेंडर और केरला ब्लास्टर्स के लिए, जिन्होंने काफ़ी दिनों तक, काफ़ी सालों तक यहाँ पे आईएसएल में मशक्क़त की, संदेश झिंगन अब मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे क्रोएशियन टॉप टायर लीग में आपको खेलते हुए दिखेंगे। और जिस क्लब के लिए वो खेलते हुए दिखेंगे उसका नाम है HNK सिबेनिक्स, जो कि यहाँ पे टॉप टायर लीग की क्लब है यहाँ पे क्रोएशिया में। और एक बहुत ही अच्छी खबर कह सकते हैं यहाँ पे इंडियन फुटबॉल के लिए, अगर हम बात करें एटीके मोहन बगान के फैंस के लिए, तो निराश नहीं होइए, क्योंकि अगर आप एटीके मोहन बगान को फॉलो करते होंगे, उनको सपोर्ट करते होंगे, तो उससे पहले आप सपोर्ट करते होंगे इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम को। और ये जो चीज़ है काफ़ी ही अच्छी है इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के लिए, क्योंकि बस 26-27 साल के ये खिलाड़ी हैं और आगे इनका काफ़ी लंबा करियर हो सकता है, कम से कम यहाँ से 8-9 साल का, या कम से कम कहें तो 7-8 साल का, जो कि आने वाले दिनों में भारतीय फुटबॉल के लिए बहुत ही क्रूशियल ईयर्स हैं। और जब इस टाइम में कोई हमारा जो मेन डिफेंडर है, सेंट्रल डिफेंडर है, वो यहाँ पे क्रोएशिया की टॉप टायर लीग में खेलता है, किसी भी यूरोप की टॉप टायर लीग में जाके खेलता है, तो एक बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस लेके आएगा, जिसे काफ़ी फ़ायदा होगा इंडियन फुटबॉल में। और जो हमारा एक तजुर्बा कह सकते हैं, एक मुकाम कह सकते हैं, वो और ऊपर चढ़ेगा। और उसके बाद जितने भी जूनियर्स प्लेयर हैं हमारे, जैसे काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर जैसे आशीष राय हो गए, आकाश मिश्रा हो गए, चिंगलन साना सिंह, और साथ में ही अपुया जैसे खिलाड़ी, और काफ़ी खिलाड़ी हैं जिनका मैं सबका नाम नहीं ले सकता, उनके लिए एक रोडवे बनेगा, एक पाथवे बनेगा, जिस पे वो यहाँ पे ट्रैवल करके आगे जाके बड़े बड़े क्लब्स के लिए खेल सकते हैं। और जो हमारे बहुत यंगस्टर्स हैं, जो 10-11 साल के हैं, 9-10 साल के हैं, जो कि अभी फ़ुटबॉल खेलने जो स्टार्ट किया है, उनके लिए भी एक बहुत ही बड़ा पाथवे बनेगा कि आगे जाके कुछ सालों में हम देखें कि बड़ी बड़ी क्लब जैसे रियल मैड्रिड वगैरह के लिए खेलते हुए भारत के प्लेयर्स दिखें। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा पाथवे सेटअप कर रहे हैं यहाँ पे संदेश झिंगन। अगर हम बात करें उनकी जो डील थी यहाँ पे एटीके मोहन बगान के साथ, वो एक लंबी डील थी, लेकिन अगर उसमें एक क्लॉज था कि अगर यहाँ पे संदेश झिंगन को बाहर की किसी यूरोप की टॉप टीम क्लब से अगर कोई कॉल आता है, तो उनको यहाँ पे बिल्कुल इजाज़त है कि वो वहाँ जाके खेल सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बीच में लिंक टूटेगा उसका, यहाँ पे लोन पे जाएंगे, वो तो अभी बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। वो जैसे ही आएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा स्पोक कॉम्बैट को। तो ये चीज़ अभी कंफर्म नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे हैं या लोन पे जा रहे हैं, लेकिन ये लगभग कन्फर्म्ड हो चुका है, ये क्रोएशिया की टॉप टायर लीग के क्लब यानी कि HNK सिबेनिक्स के खिलाफ के साथ खेलने जा रहे हैं। तो एक बहुत ही बड़ी खबर। और साथ में इससे पहले खबर आई थी कि बाकी बहुत सारे देशों का खबर आया था कि वहाँ से भी इनको यहाँ पे ऑफर्स हैं संदेश झिंगन को, लेकिन उस समय काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी मेरे साथ, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया यार, स्पोक कॉम्बैट को कर दो। और मैं बाकियों की तरह व्यूज़ के लिए दूसरे कंट्रीज़ या बार्सिलोना रियल मैड्रिड के वीडियोज़ नहीं बनाता, जिससे हमारे इंडियन प्लेयर्स और इंडिया कोई लेना देना नहीं है, तो उसमें कोई फीलिंग नहीं आती दोस्तों। मैं सिंपल से आपको बता रहा हूँ, व्यूज़ भले आ जाए लेकिन उसे कोई फीलिंग नहीं आती। और यहाँ पे मैं व्यूज़ के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ, बस इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करने के लिए बैठा हूँ। तो जो लोग भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और साथ में आपको मैं संदेश झिंगन के बारे में अगर बताऊँ, जो लोग नहीं जानते हैं, तो संदेश झिंगन द टॉप कह सकते हैं सेंट्रल डिफेंडर हैं इंडिया के लिए, एक बहुत ही ज़बरदस्त डिफेंडर है, और कह सकते हैं कि एशिया के सबसे अच्छे सेंट्रल डिफेंडर्स में से उनका नाम आ सकता है। और अगर हम कहें कि वो वन ऑफ द टॉप डिफेंडर्स हैं एशिया में, तो इसमें बहुत गलत हम कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उनके जैसे डिफेंडर्स एशिया में बहुत कम ही हैं। तो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके लिए। इससे पहले भी, पिछले साल भी ये बातें चल के आ रही थी कि शायद वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं किसी फॉरेन क्लब को, क्योंकि उससे पिछला जो सीज़न था यानी कि 2019 का जो सीज़न था, वहाँ पे वो पूरा साल नहीं खेले थे यहाँ पे केरला ब्लास्टर्स के लिए, और उसके बाद उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो टर्मिनेट हो गया था। काफ़ी रीजंस थे उसके पीछे, उसमें मैं डीप में नहीं जाऊंगा। उसके बाद एटीके मोहन बगान के लिए उन्होंने साइन किया था, लेकिन एटीके मोहन बगान के लिए साइन करने से पहले काफ़ी खबरें आ रही थी कि उनको मदरवेल FC कतर की टॉप टायर लीग से यहाँ पे उनके जो क्लब्स हैं उनके तरफ से ऑफर्स आ रहे थे, लेकिन शायद पैंडेमिक के चलते उस समय वो नहीं गए। और बात ये भी होती है कि अगर आप वहाँ जाएंगे और जो सैलरी
सैलरी आपको यहाँ मिल रही है उसे काफ़ी कम सैलरी आपको वहाँ मिलेगी, क्योंकि इंडियन प्लेयर हैं आप और आपका भी बहुत बड़ा नाम वर्ल्ड फुटबॉल में तो नहीं है, ये चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ता है लोगों को। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके अलावा उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के लिए, अपने आप को यहाँ पे बूस्ट करने के लिए सैलरी और पैसों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए यहाँ पे क्रोएशियन टॉप टायर लीग में जाने का फैसला किया है मेरे हिसाब से। और मैं चाहता हूँ कि वहाँ जाने के बाद उनको काफ़ी गेम टाइम मिले, एक मुख्य डिफेंडर के रूप में वो उभर के आए, और अगर वहाँ वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वो काफ़ी बड़ा स्टेज है इन कंपेरिजन टू ISL। और वहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ जो स्काउटर्स रहते हैं वो देखते हैं, और अगर आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करोगे वहाँ पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता, हो सकता है कि आपको कोई इंग्लिश प्रीमियर लीग की कोई क्लब से आपको ऑफ़र आ जाए, आपको कोई लीग वन की क्लब से यहाँ पे कोई ऑफ़र आ जाए। तो ये सारी बातें हैं, और वहाँ जाकर उनको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। अगर बात करें उनकी कुछ प्लेइंग की, तो अगर बात करें इंटरसेप्शंस की, तो एशिया में उनसे बेस्ट इंटरसेप्शंस कोई नहीं करता, डिफेंडिंग कोई नहीं करता, फिजिकल एजिलिटी कोई नहीं रखता, लेकिन जहाँ वो चूकते हैं वहाँ है वो बात पेस पे और शॉर्ट पासेस पे। तो ये सारी चीज़ें पे उनको काम करना पड़ेगा, और अगर इन चीज़ों को वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करते हैं तो उनके जो साथी खिलाड़ी हैं जैसे चिंगलन साना सिंह और भी आगे जाके जो सेंट्रल डिफेंडर्स भारतीय फुटबॉल टीम में आएंगे वो भी उनसे काफ़ी कुछ सीख पाएंगे, और साथ में वो भी आगे जाके एक बड़ी बड़ी क्लब्स के लिए खेल सकेंगे। और जब इस तरह के प्लेयर्स बाहर जाके खेलेंगे और जब वो ISL में आके खेलेंगे तो ISL का भी जो यहाँ पे दर्जा है वो काफ़ी ऊपर जाएगा, और दुनिया की अच्छी लीगों में से काउंट किया जाने लगेगा इंडियन सुपर लीग को। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। जो लोग भी अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं स्पोक कॉम्बैट पे, 50,000 हमारे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो 50,000 की फैमिली हो चुकी है, तो जो लोग भी अभी तक नहीं जुड़े हैं दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहो। वीडियो करते हैं खत्म, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द।